ये आर्यन हैं, ये हमारे पास आए थे अभी 26 तारीख को, छठवें महीने में आए थे, और इनको बुखार था। इसके साथ साथ इनको जो है एक डॉक्टर साहब इपिलिप्सी की दवा दे रहे थे। वो बताते थे कि जो है ये इपिलिप्सी की दवा इनको जीवन भर खाना होगा। चूँकि इनको जो है क्या हुआ कि ये जब इनको बुखार चढ़ा, बहुत तेज़ बुखार था, तो ये डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब ने इनको जो है इंजेक्शन लगा दिया। जब डॉक्टर साहब ने इनको इंजेक्शन लगा दिया तो क्या हुआ कि इनका जो बुखार था वो शरीर से इनके मस्तिष्क में चल गया। इनको मस्तिष्क ज्वर हो गया था, जिसके वजह से इनको लगातार फीवर रहने लगा और इसके साथ साथ इनको इपिलिप्टिक अटैक आता था। तो डॉक्टर साहब ने इनको जो है एक सीरप दिया था इपिलिप्सी ड्रॉप करके। तो इपिलिप्सी ड्रॉप करके ये जब खाते थे तो इनको इपिलिप्टिक अटैक नहीं आता था, और बुखार की दवा अलग से खाते थे। तो ये माता जी हमारे पास लिवा कर आई बाबू को, और मैंने इनको दवा दिया बुखार की, और आज इनकी कंडीशन जो है कि इनको अब अटैक नहीं आता है। अंग्रेजी दवा 2 दिन बाद से ही मैंने बंद करवा दिया था, और इसके साथ साथ इनका बुखार भी कम है। बुखार आता है इनको अब, जब से हमारी दवा चली है बुखार आया इनको? हाँ, तो जब से दवा चली है बच्चे को बुखार भी नहीं आया। तब से कोई परेशानी हुई बच्चे को? परेशानी कोई नहीं। तो ये बाबू अब जो है काफ़ी जो है ठीक हैं, और आशा है कि अब इनको एक 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 महीने और दवा खिलाएंगे, उसके बाद इनकी दवा बंद कर देंगे, फिर इनको इपिलिप्टिक अटैक कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं इस तरह से बीमारी से, तो आप एक बार हमसे ज़रूर मिलें। हमारी क्लिनिक ललाइन पैशिया में है, चार्ली होम्यो केयर करके। तो एक बार इलाज का अवसर जरूर दें। ये पर्चा है बाबू का, आर्यन जी का, बेलवा से आए थे। 26/6/22 में इनका इलाज चला था हमारे वहाँ। मतलब ये 14 दिनों में एकदम फिट एंड फर्स्ट क्लास हैं। तो होम्योपैथी किसी भी पैथी से छोटी नहीं है दोस्तों, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक हो जाती है डिजीज। थैंक यू।